I'm Amit Varidhi Kilor. Welcome to the 29th lecture of the Indian Polity series of the Study IQ. We are continuing one by one, धीरे धीरे हम अपनी destination की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. हम lecture number 29 पर पहुंच गए हैं, जहां पे अगर हम समझें तो 26 में हमने पार्लियामेंट करना स्टार्ट किया था. 26, 27 और 28 ये तीनों के तीनों पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, जिसमें पहले में हमने कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन, 27th के अंदर हमने जो पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं एंड 28th में जो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, प्रोरोग क्या होना होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, उन चीज़ों को समझ लिया. मैंने आपको बताया था कि 29th लेक्चर में हम डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स करेंगे. अगेन ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल 28th की तरह है कि बेसिकली हमें डिक्शनरी खोलकर डिक्शनरी में उन शब्दों का, उन जार्गन वर्ड्स का मीनिंग सीखना है. इन पर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट कभी भी जब एक भी आ जाता है तो वो यूजुअली गलत होने की संभावना होती है. सो कंसीडर द लेक्चर नंबर 29th अ ब्रेक, इसको एक ब्रेक समझिएगा. सेकेंड, इसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी की तरह कीजिएगा. जिंदगी में दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक तो स्पेसिफिकली जिसको पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, उसको मैंने आपको बताया है कि वो जो डिफिकल्ट वाली चीज़ है उसके लिए एक प्रिंसिपल यूज़ कीजिए कि एक स्टेप नीचे हो जाइए और उसको कर लीजिए. अगर 12th क्लास की मेडिवल इंडिया की NCERT पढ़ रहे हो और डिफिकल्टी हो रही है, याद नहीं हो रही, 8th क्लास की मेडिवल इंडिया की NCERT पढ़ने लग जाओ. ट्रस्ट मी, यू विल नॉट लूज एनीथिंग और उसके बाद भी उतने ही नंबर आएंगे जितने 12वीं के करते हुए आने थे. लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारी की सारी 12th क्लास के NCERT छोड़ के 8th पर चले गए. नहीं, ऐसा करना गलत हो जाएगा. दिस अप्लाइज टू 1 or 2, 3 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर डिफिकल्टी आ रही है. बियॉन्ड दैट अगर इसको ओवर यूज किया जाता है तो ये मिस्टेक हो जाएगी. हाँ, लेकिन अगर बाय चांस एक्चुअली में देयर इज अ सिचुएशन जबकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, तो फिर इसका स्टेप ये करना जरूरी है कि 12th क्लास की सारी NCERT छोड़ के पहले सिर्फ 8th की ही कर डालो. And then after 1 or 2 months, then jump to the 12th and then you will be able to catch up. इसी प्रकार से जब भी कोई बोरिंग चीज हो, कोई भी अधिक ज्यादा बोरिंग, अब डिक्शनरी पढ़ना काइंड ऑफ अ बोरिंग चीज होती है कि वर्ड उठाया, मीनिंग पढ़ लिया, वर्ड उठाया, और जो कि लेक्चर नंबर 28th और 29th इसके अलावा कुछ है नहीं. ये जो चीज है इसको डिक्शनरी पढ़ते वक्त थोड़ी सी एंगेजमेंट की जरूरत है. Whenever things get boring, you need to have a little bit engagement. जैसे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के समय वोटिंग इन पार्लियामेंट हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक बार अपना YouTube पे जाइए और किसी भी बिल की वोटिंग कैसे हुई है उसको एक बार चेक करके देखिए, राइट? कि आईज कैसे होते हैं, नोज कैसे होते हैं. वो लोकसभा और राज्यसभा TV की आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइव प्रसारण जो है वो मिल जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि अच्छा किस प्रकार से कर रहे हैं ये. सच में ऐसे ऐसे करते हैं कि जो चेयरमैन होता है वो कुछ बोलता है और उसके बाद पार्लियामेंटेरियन कुछ आईज कहते हैं, देन कुछ नोज कहते हैं. वंस यू गेट दैट आइडिया, उसके बाद जब आप रीड करोगे तो प्रिलिम्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कैच कर लोगे. द सेम थिंग यू विल डू इन द लेक्चर नंबर 29th. लेक्चर नंबर 29th में मैं आपको बताता हूँ, हम काफ़ी डिक्शनरी मीनिंग को पढ़ेंगे. हमारा काम है आज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के डिवाइसेस को पढ़ना, यानी कि पार्लियामेंट में होता क्या क्या है, कैसे क्या क्या है. जैसे कि एक आर है, क्वेश्चन आवर, जिसमें एक दूसरे से सवाल पूछे जाते हैं. जीरो आर, क्वेश्चन आर और काम शुरू करने के बीच में जो खाली समय होता है उसको जीरो आर कहते हैं. अलग अलग प्रकार के मोशंस, मतलब कि पार्लियामेंट के सामने प्रस्ताव रखे जाते हैं, सब्सटेंटिव प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडरी प्रस्ताव, उनका क्या क्या मतलब होता है. प्रिविलेज मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस प्रस्ताव, सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, इन सब का मतलब क्या होता है, यही पढ़ना है हमें. अब जब हम इनको पढ़ेंगे, द थिंग इज दैट कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके जो न्यूज़पेपर होता है, डेली न्यूज़पेपर, उसमें आते रहते हैं. जैसे कि ये मोशन ऑफ थैंक्स, तो अभी अगर आप 10 या 11 फरवरी 2021 का अखबार देखोगे तो उसमें न्यूज़ आई होगी कि पार्लियामेंट ने मोशन ऑफ थैंक्स पास कर दिया, क्योंकि इस साल उसी दिन हुआ था, 10 फरवरी के 11 फरवरी के करीब ये मोशन ऑफ थैंक्स पास हुआ था. उसी प्रकार से रेगुलरली एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर मोशन, इन सब की न्यूज़ आती रहती है. जब भी आज हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि इट विल बी ट्रीमेंडसली बोरिंग, क्योंकि आप सिर्फ मीनिंग पढ़ोगे इसका, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब पर जाकर एडजर्नमेंट मोशन टाइप कीजिए और देखिए एडजर्नमेंट मोशन किस प्रकार से किया गया था. मोशन ऑफ थैंक्स को गूगल पर जाकर टाइप कीजिए और स्टडी कीजिए कि न्यूज़पेपर ने किस प्रकार से बताया था कि मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया, जीरो आर में क्या हुआ है. इस प्रकार की एक बार न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली पार्लियामेंट में क्या हो रहा है. हम ये इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ ली थी अच्छी तरह से कि देखिए, पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 28th के अंदर हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है समन करना, उसके बाद जब
प्रोरोगेट करते हैं, वो यानी कि एक खत्म हो गया इस पूरे के पूरे, इसको कहा जाता है सेशन, राइट। और सेशन में पर डे के हिसाब से एक सिटिंग होती है और सिटिंग में दो मीटिंग होती है। ये हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी थी। अब जो वो सिटिंग और मीटिंग है उसके अंदर क्या क्या होता है, यही बेसिकली आज हमें पढ़ना है। इट इज समथिंग लाइक कि ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो, ह्यूमन बॉडी के बाद फिर उसके बाद उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो, ऑर्गन्स के बाद फिर उसके सेल के बारे में पढ़ते हो। हम उसको और ज्यादा डिवीजन कर करके बेसिकली और बेसिक पर पहुंचते जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद कि होता क्या है। डिवाइसेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। डिवाइसेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कहने का मतलब है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो सुबह जाकर क्या करोगे। तो सुबह जाकर एक सिस्टम होता है क्वेश्चन आवर का। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। तो सुबह सुबह जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब के सब अपने लोकसभा राज्यसभा वाले वहां पर सुबह सुबह चले गए, ठीक है, सब के सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, तो क्वेश्चन आवर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या है, मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस एंड द मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर्स। तो ऐसे में यही तो काम है भाई, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने किसी को मंत्री बना दिया और उसके बाद जिंदगी में उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा गया तो फिर किस बात का मंत्री हुआ। तो जो वो 60-70 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी हुई हैं वो जब पार्लियामेंट में आती है तो जो बाकी और भी लोग हैं भाई, 543 लोग इलेक्ट हुए हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 के करीब इस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो ये बाकी लोग क्या करते हैं। प्राइमरली स्पीकिंग ये जो अपोजिशन के लोग हैं ये मिनिस्टर्स से सवाल करते हैं किसी भी प्रकार के। वो सवाल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्टार्ड क्वेश्चन, मतलब कि उस जो पर्चा होता है जिस भी पेपर पर लिखा होता है उसके ऊपर एस्ट्रिक लगा होता है, इसलिए उसको कह दिया जाता है स्टार्ड क्वेश्चन। रिक्वायर्स एन ओरल आंसर्स, हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। अब ये जो बातचीत का जो पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन दूसरे पार्लियामेंटेरियन से बात करता है इसको कंप्लीटली इनफॉर्मल नहीं रख सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि अपोजिशन में हैं, कांग्रेस के एक एमपी हैं और आपको बीजेपी के किसी मंत्री से, जैसे कि राजनाथ सिंह जी से कोई सवाल पूछना है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट शुरू हुआ और ऊपर से चिल्ला कर पूछ लिया, राइट। आप उसको लिख कर देंगे, ठीक है, लिख कर देंगे। अगर आपने लिख कर दिया है और उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ओरल क्वेश्चन है। जो सभापति होंगे वो उस ओरल क्वेश्चन को बोल देंगे, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी जवाब देंगे। तो ये ओरल क्वेश्चन उसी समय पूछा जाएगा, उसी समय उसका जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि ओरल क्वेश्चन है, हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। तो पीछे से एक दो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राजनाथ सिंह जी से। अनस्टार्ड क्वेश्चन ऑन दी अदर हैंड रिक्वायर्स अ रिटन आंसर, हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए, एक तो स्टार्ड वाला जो कि ओरल है, तो और सप्लीमेंट्री पूछ लो, यही पूछेंगे प्रीलिम्स में, यही पूछे जा सकते हैं कि क्या स्टार्ड क्वेश्चंस पे सप्लीमेंट्री होता है या अनस्टार्ड क्वेश्चंस पे सप्लीमेंट्री होता है। नाउ वी आर क्लियर कि जो स्टार्ड क्वेश्चन है, अच्छा उल्टा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो स्टार्ड क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर ऐसे स्टार लगा दिया। आपको जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है हमारी पॉलिटी की बुक में उसके ऊपर आप स्टार लगा देते हो। यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, यहां पर स्टार उन पर लगाया जाता है जो कि रिटर्न जो कि ओरल है, तो उस पर और भी क्वेश्चन पूछ लिए। अनस्टार क्वेश्चन जब राजनाथ सिंह जी से पूछा जाएगा तो उनकी जो ऑफिस होगा, उनका जो डिपार्टमेंट होगा ना, वो उसका आंसर लिख के दे देगा। और अगर एक बार आंसर लिख के दे दिया है तो फिर अब दोबारा से उस पर सवाल पूछोगे तो फिर दोबारा से वहां जाना पड़ेगा। तो जो रिटन क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, उन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। एंड अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, इट इज ऑल्सो आंसर्ड ओरली। अगेन जो हमारे मंत्री हैं या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे ऐसे रैंडमली वो याद करके नहीं घूम रहे हैं चीज़ें कुछ भी, कि कुछ भी किसी से कुछ भी पूछ लिया। आप सपोज कीजिए आपने ये सवाल किया है हमारे पार्लियामेंट में जाके, आप पार्लियामेंटेरियन हैं और अपोजिशन पार्टी के हैं, और आपने मिनिस्टर से सवाल किया कि माइग्रेंट लेबर्स का डेटा चाहिए हमें, राइट। तो ये तीन तरीके हैं आपके पास पूछने के लिए माइग्रेंट लेबर का डेटा। अगर आपने ओरली पूछा तो वो ओरली जवाब दे देंगे, स्टार्ट क्वेश्चन होगा, अनस्टार्ट होगा तो वो उसका रिटर्न डेटा निकलवा के देंगे अपने ऑफिस से। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा तो उनको 10 दिन पहले आप लिख कर दे देंगे कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, और वो 10 दिन में उनका डेटा वेटा, उनकी जो टीम होगी, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो आंसर लेकर पार्लियामेंट में सबके सामने वो जवाब रख देंगे। एक तरीका होता है, जैसे ही कोई भी पार्लियामेंट की पहली सिटिंग होती है तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह बैठ के क्वेश्चन आवर स्टार्ट हो जाता है सबके सबका, ठीक है, क्वेश्चन आवर। दूसरा, अनलाइक द क्वेश्चन आर द जीरो आर इज नॉट मैंशनड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब क्या है कि ये सब कुछ हमारे जो लोकसभा के रूल्स हैं या राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है कि कैसे कैसे काम होगा, ये खुद तो बनाया नहीं है किसी ने, कहीं ना कहीं पर लिखना भी पड़ता है कि भाई सुबह आते ही ये काम करना स्टार्ट करना है। जीरो आवर कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। जीरो आवर का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आवर स्टार्ट हुआ सुबह सुबह,
एक घंटे सवाल पूछे गए मंत्रियों के, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मंत्रियों से पूछा, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करना है हाइपोथेटिकली कि आज हमें बिजनेस ऑफ द हाउस को ट्रांजैक्ट करना है, उसके बीच में जो जगह बचती है उसको कह देते हैं जीरो आवर। जीरो आवर का मतलब कि जो मर्जी करो, जो मर्जी करो नहीं, एग्जैक्टली जो मर्जी नहीं। इट्स लाइक कि दो देशों के बीच में जब बॉर्डर होता है तो उसको कहते हैं ना नो मैंस लैंड, राइट। तो यहां पर किसी कंट्री का पूरा टेरिटरी, ये पूरे के पूरे किसी और कंट्री की टेरिटरी बीच में हो गया, नो मैंस लैंड। उसी प्रकार से क्वेश्चन आवर एक ऑफिशियल सिस्टम है पार्लियामेंट में मिनिस्टर से सवाल करने के लिए, और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशंस मोशंस पास करने का। इसके बीच में एक जगह बची हुई है जीरो आवर की, एक इनफॉर्मल डिवाइस है टू दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है। तो जीरो आवर मतलब कि बाकी सारा क्वेश्चन साथ में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देनी पड़ती है सारी की सारी, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तो 10 दिन पहले देना पड़ता है कि ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस दिन 10 दिन बाद, और इस प्रकार से वो पहले जीरो आवर में आप बस खड़े होंगे जो भी हैं, और कोई भी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी चीज़ पर, कोरोना से संबंधित हो गया, किसान बिल से संबंधित हो गया, कोई और किसी बात से, किसी भी चीज़ से, वैक्सीनेशन से संबंधित हो गया, वो आप पार्लियामेंट में सरकार के सामने उठा सकते हैं इन दी जीरो आवर। द जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे दैट इज रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप। इन अदर वर्ड्स जो टाइम गैप है क्वेश्चन आवर और एजेंडा के, उसके बीच के जगह को जीरो आवर कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात याद करने की जरूरत है कि जीरो आवर जो है ना, ये एक कन्वेंशन है जो कि इंडिया में ही चलती है, इंडिया ने ही इन्वेंट की है और कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, चल रहा है ऐसे। इस पर कोई ऐसा नहीं है कि कहीं रूल्स रेगुलेशंस में भी लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ जीरो आवर होता है, बस वो सिस्टम ऐसा बन गया है 1962 के बाद कि क्वेश्चन आवर खत्म होते ही जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर कुछ कुछ सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं टिल द टाइम द एक्चुअल बिजनेस ऑफ द हाउस स्टार्ट्स, ठीक है। ये वाला सिस्टम है, जब ये जीरो आवर खत्म हो जाता है तब ये करते हैं मोशन। जो ये वर्ड मोशन है इसका मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव। मोशन का मतलब प्रस्ताव है। तो जो भी, नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब अगर पार्लियामेंट में आपको किसी भी चीज से संबंधित कुछ भी डिस्कस करना है, राइट, यू हैव टू डिस्कस एनीथिंग, कोई भी स्टेटमेंट आपको बनानी है, तो अब रैंडमली तो कोई बनाने नहीं देगा, राइट। इट्स अ एक सभा बैठी हुई है तो उसमें बात करने के लिए, चलाने के लिए कुछ ना कुछ, अगर आपको आपको लगता है कि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोशन, एक प्रस्ताव रखना पड़ता है हाउस के सामने। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, यानी कि हमारे लोकसभा में स्पीकर जो हो गए, राज्यसभा में जो चेयरमैन हो गए, ही विल सी दैट ये प्रस्ताव है, वो उसको एंटर कर लेते हैं, और उसके बाद डिपेंडिंग उस पर वोटिंग होती है या नहीं होती है, देन ओनली द डिस्कशन स्टार्ट्स। तो पूरे के पूरे हाउस को पता चल जाता है कि इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होनी है, अब ये प्रस्ताव, ये मोशन हैज बीन मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है। देन द डिस्कशन स्टार्ट्स अबाउट एवरीथिंग। हाउस एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजन और ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज थ्रू द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। ये जो मोशन का अडॉप्शन और रिजेक्शन है, उस चीज को कहा जाता है कि हाउस का क्या ओपिनियन है। ओपोजिशन पार्टी को ये प्रस्ताव मूव करती है कि गवर्नमेंट ने ये काम गलत किया, और फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाती है। अपोजिशन रूलिंग पार्टी जो होती है, उनकी कोई नई पॉलिसी आती है तो उसके ऊपर प्रस्ताव मूव करती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि लोकसभा का, देश का इस चीज़ को सपोर्ट है। दे कैन मूव्ड बाय ईदर मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स। दो तरह के लोग हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। वो जो 60 लोग हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, दे आर कॉल्ड एज मिनिस्टर्स, ये मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सबके सब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन 60 के अलावा, उन सबको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स। जब ये 60 लोग कोई बिल या कोई मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन अब कोई और ऐसा भी नहीं है ना कि किसी मंत्री बने हुए, भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए बाकी लोग, तो इनको कोई हक ही नहीं है। ये भी कोई भी मोशन और कोई भी बेसिकली रेजोल्यूशन या फिर कोई भी किसी प्रकार की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगेन बात याद रखिए कि जब जो गवर्नमेंट है वही मेजॉरिटी में है, तो जब वो कुछ इंट्रोड्यूस करती है तो वही पास होने की संभावना होती है। प्राइवेट मेंबर जब कोई इंडिविजुअल मेंबर करता है तो उसके पास होने की संभावना ज़्यादा होती नहीं है। बड़े पूरे के पूरे 70-75 सालों में बड़ी मुश्किल से एक दो प्राइवेट बिल पास किए गए हैं।
The motions moved by the members to raise discussion on various matters fall into three principal categories. ठीक है, अब हम motion के बारे में जानेंगे कि ये प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, right? पहले हमने देखा कि सुबह आए पार्लियामेंट के अंदर लोग क्वेश्चन आवर में डिस्कशन करने लग गए. ठीक है, क्वेश्चन आवर्स में सवाल पूछे जाते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड और क्या नाम है, जिस भी प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछना है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. ओके, एंड देन उसके बाद जब क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता है तो जीरो आवर स्टार्ट होता है. जीरो आवर्स की स्पेशलिटी क्या है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, इंडियन इन्वेंशन है, ये एक कन्वेंशन है, रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ है, हाउस के रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जीरो आवर, ये स्पेशल इसलिए. जब ये खत्म हो जाता है तब आता है अब बातें कि भाई लोकसभा राज्यसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस करना है. कैसे डिस्कस किया जाता है, मोशंस के द्वारा. प्रस्ताव एक सभा के सामने, एक सदन के सामने प्रस्ताव रखा जाता है. प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं. ठीक है, तीन प्रकार के, जिनका नाम आप याद रखेंगे, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडरी. डोंट गो इन टू द डीप, सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान रखिए, सिर्फ ये समझ लीजिए कि अभी इस समय जो ये नॉर्मल हाउस का जो बिजनेस है, जो हाउस का मेन काम है, वो यही काम है, इन मोशंस को अब डिस्कस करना. सब्सटेंटिव मोशन का मतलब सब्सटेंस, एक इम्पॉर्टेंट मोशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. जैसे कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, अगर ऐसा कोई मोशन किसी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो ऐसा कहा जाएगा कि उन्होंने काफ़ी सब्सटेंटिव मोशन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन्होंने बेसिकली सदन के सामने रख दिया है. सब्सटीट्यूट इज इट इज अ मोशन दैट इज मूव इन सब्सटीट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोजेज एन ऑल्टरनेटिव टू इट इफ अडॉप्टेड टू हाउट इट. कोई एक मोशन रखा गया है कि भाई सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट को इस प्रकार से किसी गरीब लोगों की मदद करने के लिए ये नई पॉलिसी लानी चाहिए, ऐसा कोई मोशन रखा गया था. ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था सदन के सामने, अभी इस बात पर डिस्कशन हो रहा था, उसी के बीच में उसी से संबंधित कोई और दूसरा प्रस्ताव रख दिया गया जिसको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूट मोशन. इट इज़ अ मोशन दैट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल. तो ये यूजुअली वही करेगा जिसने पहले वाला किया था, भाई सब्स्टिट्यूट वही तो कर सकता है. तो गवर्नमेंट ने कोई मोशन इंट्रोड्यूस किया था हाउस के अंदर, देन दे भी लाइक कि अब इसको हमें एक दो दिन के बाद उनको लगा कि ये चेंज करना चाहते हैं तो वो दूसरा मोशन ले आते हैं और बोलते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, हम कुछ बदलाव चाहते हैं. सब्सिडरी इट इज अ मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब कैटेगरीज. एक मोशन इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है पहले से ही इंपॉर्टेंट वाला, कोई सब्सटेंटिव मोशन, इसके सपोर्ट में कोई और सब्सिडरी, कोई नया प्लान आ गया है, एक और नया मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. ठीक है, इस प्रकार से तीन मोशन होते हैं, तीन प्रस्ताव रखे जाते हैं, तीन प्रकार के प्रस्ताव जो हैं ये हाउस के सामने रखे जाते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होता है और जिनके ऊपर वोटिंग की जाती है. कोई समस्या की बात नहीं, अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है. सब्सिडरी की और भी काफ़ी सारी सी वो चीज़ होती है, आज छोड़ दीजिए इसको. ओके, स्टे हियर फॉर नाउ. सब्सिडरी के एंसिलरी सुपरसीडिंग अमेंडमेंट, अगेन सिर्फ डेफिनेशन है, पढ़िए. एंसिलरी का मतलब है इट इज़ यूज्ड एज ए रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस. Superseding, it is moved in the course of debate on another issue, seeks to supersede that issue. Amendment, it seeks to modify or substitute any part of the original motion. कोई बात नहीं, इस पर कोई question नहीं आना, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है. Closure motion, किसी चीज को start करना होता है तो ये तीन प्रकार के motion लगते हैं, substantive, substitute और subsidiary, right? हाउस किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहता है, किसी भी बात को, सब पार्लियामेंटेरियंस उसके ऊपर अपना अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो इन तीनों तरीके से स्टार्ट करेंगे, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडरी मोशन इंट्रोड्यूस करके. अब उन चीज़ों को ख़त्म करना, ये हो गया स्टार्ट. ख़त्म भी एक फॉर्मल तरीके से किया जाता है, फॉर्मल तरीका जो होता है ख़त्म करने का उसको कहा जाता है क्लोजर मोशन. ठीक है, इट इज़ अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस. अगर ये मोशन अप्रूव हो जाता है, डिबेट इज स्टॉप्ड एंड द मैटर इज पुट अप टू दी वोट. समझ रहे हैं धीरे धीरे कि डिस्कशन किस प्रकार से चल रही है हाउस के अंदर. पार्लियामेंट्री बैठे हैं 500 लोग, ठीक है, अब उन्हें किसी बात पर डिस्कशन स्टार्ट करना है. अब वो डिस्कशन स्टार्ट कैसे होगा, जब एक मोशन इंट्रोड्यूस हो गया उस मुद्दे से संबंधित, सब्सटेंटिव, सब्सिडरी, इस प्रकार से कोई मोशन. अब उस मोशन पर डिस्कशन डिबेट चल रहा है, ठीक है, डिस्कशन डिबेट चल रहा है, काफ़ी जो अपने अपने विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, अपने अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों के दोनों, सबके सब उसके ऊपर विचार व्यक्त कर सकते हैं. अब उसको ख़त्म करना है, ऐसा तो नहीं है कि परमानेंटली चलता ही रहे, उसको खत्म कैसे किया जाता है, क्लोजर मोशन के द्वारा. ये चार प्रकार का होता है. क्लोजर मोशन अगर पास हो जाता है कि भाई सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कैंगरू क्लोजर, कैसे पास होगा, वोटिंग इन द हाउस. हम पूछ चुके हैं, दिस मोशन इज पुट इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, कैन आई हियर आईज, कैन आई हियर नोज,
वीडियो देखिए, वो जब तक वीडियो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा कि आईज और नोज कैसे करते हैं। तो जब ज्यादा लोग आईज बोल देंगे तो इसका मतलब कि क्लोजर मोशन पास हो गया, क्लोजर मोशन पास हो गया, देन द मैटर इज पुट टू द वोट। अब मैटर को फिर दोबारा से पूरे पूरे हाउस के सामने वोटिंग के लिए डाल दिया जाएगा। देखो, सिंपल क्लोजर, इट इज वन व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट। ठीक है, तो क्लोजर मोशन का मतलब है पहले उन्होंने डिस्कस कर लिया है एक घंटा बैठ के सारी बातों को, अब एक मेंबर बोलेगा कि हो गया डिस्कशन, चलिए खत्म करते हैं, सिंपल क्लोजर मोशन। तो पूछेंगे भाई क्लोज कर दें, देन एवरीबॉडी बी लाइक कि यस, तो मतलब कि क्लोज हो गया, चलिए अब इस मुद्दे के ऊपर वोट करते हैं। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, इन दिस द क्लॉजेज ऑफ बिल और अ लेंथी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट, द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड एंटायर पार्ट इज पुट अप टू द वोट। कभी कभी अब बिल देखिए, बिल होता है 70 पन्नों का 80 पन्नों का, मोशन होता है काफी बड़ा बड़ा। अब हो सकता है कि जब उसको डिस्कशन और डिबेट करते हैं ना, तो पन्ने टू पन्ने डिबेट करते हैं, आज पहले सिर्फ और सिर्फ ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, अब यूजुअली ऐसा क्या होता है, क्लॉजेज ऑफ ए बिल और अ लेंथी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट, द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड द एंटायर पार्ट इज पुट टू द वोट। इसमें सिर्फ और सिर्फ जब पार्ट को अगर डिस्कस बंद करना हो कि भाई 6 पार्ट थे उसके जो डिबेट थे, 6 एक कानून पास करने के लिए एक बिल बनाया हुआ था और काफी बड़ा लंबा बिल था, तो उसमें 6 में डिवाइडेड था, तो एक एक पार्ट की डिस्कशन होती है, तो एक पार्ट को जब बंद करना होता है तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट बंद हो गया, चलिए अब फिर दोबारा से दूसरे का कोई सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ये दूसरा पार्ट बंद हो गया। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब एक टॉपिक बहुत बड़ा हो तो उसको पार्ट्स में बंद किया जाता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कैंगरू क्लोजर, दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड इंटरवीनिंग क्लॉजेज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। यूजुअली कैंगरू मतलब जंप करता रहता है, राइट? इसका मतलब है कि आप क्लॉज नंबर 10 को डिस्कस किया, डिस्कशन हुआ, इसको पास कर दिया, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 बोला ही नहीं, 16 डिस्कस किया, अगर 16 पास हो गया तो जो बीच वाले हैं वो ऑटोमेटिकली पास माने जाएंगे कि ठीक है सबने हाँ भर दी उसके अंदर, चाहे वो डिस्कस हुए हो या ना हुए हो। एंड देन द गिलोटीन क्लोजर वेयर द अनडिस्कस क्लॉजेज ऑफ अ बिल और रेजोल्यूशन आर आल्सो पुट टू वोट विद द डिस्कस्ड वंस ड्यू टू द वांट ऑफ द टाइम। ये बिल हुआ एक, देखिए जैसे क्या होता है कि कभी कोई नया कानून बनाना है तो कानून जब बनने से पहले, कानून को जो बनने से पहले बिल कहा जाता है, राइट? हम लेजिस्लेटिव इसके बाद ही पढ़ेंगे कि बिल क्या चीज होती है। तो कानून को बनने से पहले जब तक पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा होता है, जब तक वोट हो रही होती है, तो उसको बिल कहा जाता है। तो जब बिल है, अब बिल के हर एक क्लॉज को डिस्कस करना होता है, हर एक क्लॉज को, हर एक पार्ट को डिस्कस करना होता है, राइट? तो जब एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ने का जो तरीका है वो क्लोजर मोशन के द्वारा है। एक पार्ट डिस्कस कर लिया, देन द जो चेयरमैन होता है वो बोलता है कि क्लोजर मोशन करे भाई बंद इसको, हाँ सबने हाँ भर दी, चलिए हाँ फिर आगे, हाँ फिर आगे, हाँ फिर आगे, हाँ। अब कोई सिंपल है, कोई पूरा का पूरा एक पन्ने का बिल था, नॉर्मल डिस्कशन थी, नॉर्मल डिस्कशन में सिंपल क्लोजर करा दिया, काफी लंबा बिल था, पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ था, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो बिल जो था, तो उसको 10-10 पार्ट में अलग अलग करके क्लोजर बाय कंपार्टमेंट कर देते हैं। अच्छा 10 पार्ट में बिल था लेकिन एक एक क्लॉज को डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट थे बीच वालों को छोड़ दिया, कि बीच वालों को छोड़ देते हैं भाई बहुत लंबा चल रहा है, तो कैंगरू क्लोजर कहते हैं उसको। एंड देन द गिलोटिन क्लोजर, गिलोटिन क्लोजर का मतलब यह है कि बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किए हैं, गिलोटिन क्लोजर हम मोशन डालते हैं, अगर ये पास तो बेसिकली पूरा का पूरा बिल पास माना जाएगा, मतलब बिल पास नहीं माना जाएगा कि ये मोशन पास हो गया है, तो अब बेसिकली चलो वोटिंग करते हैं इस बिल के ऊपर, बात खत्म, डिस्कशन खत्म हो गई। ये जो दोनों चीजें हैं, मोशन और क्लोजर मोशन, ये बेसिकली किसी भी बिल, किसी भी कानून, किसी भी पॉलिसी की बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन स्टार्ट करना और उस डिस्कशन को खत्म करने के प्रोसेस है। अगर आप अगर पार्लियामेंट में होते तो सपोज कीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर का एक बिल है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है, कानून बनने से पहले उसको बिल कहा जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसी चीज पर जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो इसको कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अब जब तक वो बिल बन रहा था तो आप पार्लियामेंट में बैठे हुए थे तो उसको डिस्कस कर रहे थे, उसको डिस्कस कैसे करेंगे, एक सब्सटेंटिव मोशन, एक मिनिस्टर होगा जो कि उसको इंट्रोड्यूस करेगा बिल को कि भाई चलो इसको अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड देन अलग, इट्स अ लॉन्ग पार्ट, उसके अंदर काफी सारी क्लॉजेज हैं, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्या क्या होगा, क्या क्या सारा संविधान की बारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, फिर एक एक पॉइंट को खत्म भी करना होता है डिस्कशन का, कि ये हो गया चलिए क्लोजर कर देते हैं, ये हो गया चलिए करिए क्लोजर कर देते हैं, 10 में से 3 ही हुए थे चलिए कंपार्टमेंट से क्लोज कर देते हैं,
30 में से 10वां 20वां डिस्कस हुआ, चलिए कैंगरू क्लोजर कर देते हैं सर, बहुत सारा हो गया सर, दो दिन से डिस्कस कर रहे हैं इसको, चलिए सब खत्म करते हैं, गिलुटीन क्लोजर। ये हो गया बिल की डिस्कशन के टाइम में जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होते हैं, ठीक है, ये बात सिंपल है। अब ये तो पूरा का पूरा जो बिल से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, हाउ अ बिल पासिस, स्टार्ट डिस्कशन कैसे होती है, खत्म कैसे होती है। देन द नेक्स्ट वन कम प्रिविलेज मोशन, इट इज कंसर्न्ड विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय अ मिनिस्टर। ये बेसिकली किसी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं उनको डांटने के काम आता है। हर एक जो मिनिस्टर्स हैं उनको बेसिकली क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलते हैं, उनको डांट जब पड़नी होती है, इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट द मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर ऑफ इट मेंबर्स बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स ऑफ अ केस और बाय बीइंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट। क्वेश्चन आवर में हम क्या कर रहे हैं, जो मंत्री हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मंत्री गलत सवाल दे दिया, आंसर आके जवाब गलत दे दिया मंत्री ने, तब ऐसे में कोई क्या करेगा, तो जो दूसरा आदमी होगा जिसने भी बिल पास किया था, तो वो प्रिविलेज मोशन रखेगा स्कूल उसके सदन के सामने कि इस मिनिस्टर ने गलत जवाब दिया है, अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का गलत उपयोग किया है, इसको डांट पड़नी चाहिए, इट्स पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। अगर ये पास हो जाता है तो फिर उसको मिनिस्टर्स को इमीडिएटली स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत रेयरली होता है कि मिनिस्टर्स को डांट पड़ ही जाए, ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है, तो ये डिफिकल्ट होता है। प्रिविलेज मोशन, नाम से प्रिविलेज मोशन से कंफ्यूज मत होइएगा। एक दूसरा होता है सेंसर मोशन, ठीक है, दोनों काम एक ही करते हैं लेकिन नाम अलग है, चलिए देखते हैं कि क्या इनमें फर्क क्या है, परंतु बस इस बात पे ध्यान रखिए कि प्रिविलेज मोशन मिनिस्टर को डांट मारने के काम आता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय अ मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर। लाइक द जीरो आवर, इट इज ऑल्सो एन इंडियन इनोवेशन बट इट इज मैंशनड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो दो चीजें हैं जो कि बेसिकली इंडिया ने इनोवेट की है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जीरो आवर जो कि कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, यही याद करिए, और कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने इन्वेंट किया परंतु हमने रूल्स में लिख दिया है। ये कई बार सरकार कोई महत्वपूर्ण मुद्दा डिस्कस नहीं करती है, सपोज कीजिए कि किसान प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं लेकिन सरकार उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है या उस पर कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, तो ऐसा, या फिर जैसे एयर पोल्यूशन हो गया कहीं पर, पूरे के पूरे लेट्स से कि नदर्न इंडिया में एयर पोल्यूशन की जो समस्या वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस मुद्दे को, इस अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को उठाने के लिए कॉलिंग अटेंशन, सरकार की अटेंशन उस मुद्दे के ऊपर दिखाने के लिए, उस पर लाइट छपकाने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन एक प्रस्ताव रखा जाता है सदन के सामने, ताकि सरकार एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे उस कॉन्टेक्स्ट में कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन, व्हाट आर दे डूइंग रिलेटेड टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट और फॉर एनी अदर प्रॉब्लम जो कि एक पब्लिक इशू इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर होता है एक एडजर्नमेंट मोशन, ये दूसरे वाले, इसमें वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। एडजर्नमेंट हमने पहले पढ़ा था कि स्पीकर यूज करता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट किस लिए यूज किया जाता है, हाउस की एक सिटिंग या मीटिंग को खत्म करने के लिए कि भाई 2 घंटे हो गए आपको एडजर्न कर दिया मैंने, एडजर्न करते हैं एडजर्न टिल लंच। 2 प्रकार के एडजर्नमेंट है, एक तो स्थगित की जाएगी जो सदन है कितने समय के लिए, बाय द टाइम मैं उसमें लिख के दे दूंगा जो स्पीकर होगा, एडजर्न टिल लंच 1 घंटे की एडजर्नमेंट है, एडजर्न सीनेडाइन, एडजर्नमेंट हो गई लेकिन पता नहीं चला कब तक होगा। एडजर्नमेंट मोशन का क्या मतलब होता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये कॉलिंग अटेंशन मैटर का सेम टू सेम उसी का एक वर्जन है, हाउएवर मच मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन। एक्चुअली में क्या है कि कॉलिंग अटेंशन डे टू डे काम में है, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये होता है कि सारा काम छोड़ो, सिर्फ इसके बारे में बात करो। अब इसमें कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है। इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। मतलब कि जब एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो अब कोई भी और कोई काम नहीं करेगा, उसी डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर ही डिस्कशन होगी। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। बस यही इंपॉर्टेंट फर्क यहां पे जो याद करेगा प्रीलिम्स में नंबर ही नंबर पाएगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन और एडजर्नमेंट मोशन दोनों के दोनों सेम है,
जो महत्वपूर्ण अर्जेंट पब्लिक मैटर इशू होते हैं उस पर गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए दोनों के दोनों यूज़ किए जाते हैं। कॉलिंग अटेंशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर यूज हो सकता है। एडजर्नमेंट मोशन एक्चुअली में गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को डांट पड़ रही होती है, इससे सेंसर किया जाता है उनको, हेंस ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा इज नॉट परमिटेड। डिस्कशन ऑन एन एडजर्नमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। अगर ये एडजर्नमेंट मोशन हो गया तो कम से कम 2.5 घंटे तक इसके ऊपर डिस्कशन होगा। एंड इंट्रोड्यूसिंग इट मीन्स कि गवर्नमेंट इज मिसिंग इट्स इन ड्यूटीज, उनको एक प्रकार से डांट पड़ती है कि महत्वपूर्ण पब्लिक वाला जो काम है उसको भी नहीं किया आपने। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये आने वाले कई चैप्टर्स में हम डिस्कस भी करेंगे। नो कॉन्फिडेंस कहने का मतलब ये होता है, इसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो सरकार है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उस पर लोकसभा को कॉन्फिडेंट नहीं रहा है, उसको लोकसभा को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। इसको पास करने का मतलब है कि सरकार गिर गई। अपोजिशन कभी कभी ये देख के, जब ये उनको लगता है कि इस समय हाउस में मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी के पास नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर ये पास हो जाता है तो समझ लो सरकार गिर गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन रेयरली इंट्रोड्यूस किया जाता है व्हेन द अपोजिशन इज श्योर कि जब वोटिंग होगी तो वोटिंग एक्चुअली में मेजॉरिटी में इसको सपोर्ट करने के लिए होगी। अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो समझ लो कि सरकार गिर गई। ये वही वाली बात है आर्टिकल 75 में जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल की बात होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, ऐसा मतलब अगर लीगली समझोगे, अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है ये और पास हो गया तो भी ये समझ ली मिनिस्टर्स, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट मिनिस्टर्स। प्रिविलेज मोशन आप किसी के अगेंस्ट कर सकते हैं, सेंसर मोशन आप किसी के अगेंस्ट कर सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं, ये हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही होता है। पास होने का मतलब है इट कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है दोनों चीजों में, एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये दोनों के दोनों सरकार के लिए बड़े घातक होते हैं। एडजर्नमेंट मोशन में सपोर्ट चाहिए 50 लोगों का, अगर वो पास हो गया तो सरकार को पड़ी है बहुत ज्यादा डांट, मतलब एकदम बेइज्जती की बात हो गई। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो ही गया तो समझ लीजिए कि सरकार गई कैंसिल उसी समय से। ये वही मुद्दा हो जाएगा कि अगर ये मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस भी प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे अब। दैट इज दी ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तीन सिचुएशनल डिस्क्रिशन में प्रेसिडेंट जब बातें नहीं मानते हैं, वो तभी नहीं मानते जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर चुकी होती है। इसी का एक वियर्ड वर्जन है, ये हमेशा अपोजिशन करवाएगी राइट। अगर ये मिनिस्टर्स करवाएं तो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि अपने बैंक में पैसे चेक करना। आगे अगर अभी आप बार बार अभी आप बैठे हैं और अचानक से एक बार देखें कि मेरे बैंक में कितने पैसे, चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, बैंक में पैसे देखा कि आपने, हाँ भाई 15,000 रुपये, कल भी 15,000 थे, अगले दिन भी 15,000 थे, फिर एक दिन ध्यान नहीं रहा आपने खोल के देखा अचानक से 3,000 निकले, क्या हुआ कि गाड़ी की किस्त कट गई थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस हैज कम अप एज अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइस। इसमें गवर्नमेंट खुद चेक करती है कि क्या हमारे पास मेजॉरिटी बची भी हुई है। गवर्नमेंट फाउंड बाय वेफर थिन मेजॉरिटी हैव बीन कॉल्ड अपॉन द प्रेसिडेंट टू प्रूव देयर मेजॉरिटी। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है समटाइम्स ऑन इट्स ओन स्वयं से चेक करती है अपनी मेजॉरिटी को बाय मूविंग अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। हाँ, अगर ये पास नहीं हुआ तो फिर सरकार गिर जाएगी। इसमें फर्क यही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सरकार गिरती है, कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है तो सरकार गिरती है। दिस इज दी ओनली की, ये यूजुअली अपोजिशन करेगी जिसको सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सरकार खुद करती है जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। इसका अगर जो इनका इंटेंशन है उससे उल्टा होता है तो रिजल्ट और कुछ है। कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ तो यानी सरकार गिर गई, उनको जो कॉन्फिडेंस था वो गलत था। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो इसका मतलब अपोजिशन वाले सही थे, लोकसभा को कॉन्फिडेंस नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और सरकार गिर जाएगी। एक होता है मोशन ऑफ थैंक्स। हर साल जैसे ही मतलब बिल्कुल साल के स्टार्टिंग में जो पहला सेशन होता है, बजट सेशन जो होता है, उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी आते हैं और दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। ही टॉक्स अबाउट इट, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति जी का संबोधन होता है इसमें गवर्नमेंट अपनी सारी की सारी जो भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकती है। गवर्नमेंट बताती है कि हमने ये किया, डिस्कशन किया। इस राष्ट्रपति के संबोधन को
दोनों सदन पास करते हैं, मतलब उनको सुनने के बाद, उसको डिस्कशन करने के बाद एक प्रस्ताव रखा जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स, एक तरीके से धन्यवाद दिया जाता है प्रेसिडेंट को आप उन सदन को संबोधित करने के लिए। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, ठीक है, हर साल का जो जैसे ही जब नया जनरल इलेक्शन, जब नई सभा बनेगी तो भी प्रेसिडेंट एक बार आते हैं, और उसके बाद हर साल के जो पहला सेशन होता है तो अभी भी आते हैं। जैसे इस साल अगर आप देखेंगे तो 29 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को संबोधित किया था। इन दिस एड्रेस प्रेसिडेंट आउटलाइंस द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स है उपलब्धियां हैं प्रेसिडेंट गिनाते हैं सरकार की तरफ से। द एड्रेस बेसिकली विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन द ब्रिटेन इज डिस्कस्ड इन बोथ हाउसेज एंड डिस्कस्ड बाय द मोशन ऑफ द थैंक्स। मैंने बताया जैसे जो भी डिस्कशन होना है वो एक प्रस्ताव के द्वारा होता है, राइट तो जो पार्लियामेंट की स्पीच, जो प्रेसिडेंट की स्पीच में जो बोला गया उसके ऊपर डिस्कशन कैसे करेंगे? डिस्कशन तभी कर पाएंगे जब आप एक प्रस्ताव रखेंगे, उस प्रस्ताव का नाम है मोशन ऑफ थैंक्स, डिस्कशन होता है। अच्छा, मोशन ऑफ थैंक्स डिस्कशन होगा तो जैसे सब्सटेंटिव मोशन करके डिस्कशन कर दिया, फिर एक पॉइंट पर डिस्कस कर दिया, उसके बाद वो क्लोजर मोशन दे देंगे, सिंपल क्लोजर, चलिए खत्म कर दीजिए, कुछ बीच में छोड़ छोड़ के गिलोटिन क्लोजर, वो जो क्लोजर के जितने भी चार प्रकार थे वो यूज किए जाएंगे। वंस दे आर डन आफ्टर 2 or 3, 4 days जब वो खत्म हो जाता है तब इसके बाद इसको वोट के लिए रख दिया जाता है कि मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर वोट डालिए। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ये डिस्कशन कई दिन चल सकती है, द मोशन इज पुट टू वोट, वोट के वोट को वोट पे दिया जाता है। दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट बात, अगर कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है दैट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है दैट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो कि प्रेसिडेंट को थैंक करने के लिए है अगर ये पास ना हो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिजाइन कर देगी अगर मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास किया गया। द इनॉग्रल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इज एन ओकेजन अवेलेबल टू रेज डिस्कशंस डिबेट्स एंड एग्जामिन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स लैप्सेस एंड द फेलियर्स। इसको डाल के देखिएगा, इस बार क्या हुआ कि जैसे 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया सदनों को, और उसके बाद फिर अगले दिन कई दिनों तक डिस्कशन चला उनके स्पीच के ऊपर, एंड देन अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 या 11 फरवरी को स्पीच मोशन ऑफ द थैंक्स को पास कर दिया गया था। अगर आप सर्च करेंगे न्यूज़पेपर मोशन ऑफ थैंक्स पास 2021 तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस प्रकार से क्या पास किया गया था, राइट सो ये होता है। अगर ये पास नहीं होता, और ये हर साल होता है याद रखिए, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, ये हर साल के स्टार्टिंग में एक बार चेक हो जाता है कि हाँ जो गवर्नमेंट है उसको लोकसभा का पूरा सपोर्ट है, दे आर इन द मेजोरिटी, दिस इज जस्ट टू चेक दैट मोशन ऑफ थैंक्स। और जब नया इलेक्शन खत्म होने के बाद जब पहली बार लोकसभा बैठती है तब एकदम इसको होता है दोबारा से अगेन, वो भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि भाई अब नई इलेक्शन बनी है तो पहले से चेक तो कर ले कि मेजोरिटी आई हुई है, दिस इज इट मोशन ऑफ थैंक्स। सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या फर्क है ये देखिए एक बार देखते हैं। इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा, तो किसी मंत्री के अगेंस्ट या किसी इंडिविजुअल मेंबर के अगेंस्ट अगर सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया तो उसमें ना क्लियर कट रीजन लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर मंत्री ने ऐसे हरकत की है एंड हेंस ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच है तो हम इसको सेंसर करना चाहते हैं तो हम इसको डांट लगाएंगे, सेंसर मोशन करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोई बताता नहीं है, बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, बस इतनी ही बात है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, मंत्री के अगेंस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें आप एक और समझते होंगे प्रिविलेज, प्रिविलेज मोशन। ये सेंसर मोशन जो है वो यूजुअली मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के अगेंस्ट हो रहा है। प्रिविलेज मोशन इज अ सेंसर मोशन ओनली फॉर प्राइवेट, प्राइवेट मेंबर का ये मतलब नहीं कि आदमी प्राइवेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी मिनिस्टर है, जो भी मंत्री पद के अलावा जो भी आदमी होता है उसको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है, ठीक है, उसको प्राइवेट समझ लीजिए। तो उसको अब उसको करने के लिए उसको डांट पड़ती है प्रिविलेज मोशन के द्वारा, और मिनिस्टर्स को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंसर के। प्रिविलेज मोशन भी मिनिस्टर्स के लिए भी किया जा सकता है, ये भी याद रखिए। इट इज मूव्ड फॉर सेंसरिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, इफ इट इज पास्ड इन लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, मिनिस्टर्स ने गलती कर दी है सेंसर मोशन पास होने के बावजूद भी, सिर्फ डांट ही पड़ी है, रिजाइन नहीं करना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, अगर ये पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इमीजिएटली रिजाइन करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सडनली ये जो मोशन हैं डिक्शनरी की चीजें हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
एक मोशन के अगेंस्ट एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोशन से सिमिलर ही, जिसको कहा जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो बाकी प्रस्ताव है उसमें से जब रेजोल्यूशन होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ मोशन, याद रखिए कि इट इज जस्ट अ वन वर्जन ऑफ अ मोशन, बट जो कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है संकल्प। आपने इतिहास पढ़ते वक्त कई बार सुना होगा कि कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया कि अब तो फुल फ्रीडम मांगी जाएगी, अब तो पूर्ण स्वराज मांगा जाएगा। वो बेसिकली एक मोशन था। वहां पर भी कांग्रेस एक प्रकार से अपनी एक क्या नाम है इनफॉर्मल पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती थी, जब पुराने वाली जो कांग्रेस थी 1947 से पहले, तो जब वो कुछ डिस्कस करते थे कि जो कांग्रेस के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए मोशन और रेजोल्यूशंस का ही प्रयोग किया जाता था, इन्हीं डिवाइसेस का, इन्हीं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। तो मोशन होते थे और अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी तो उसको रेजोल्यूशन कह दिया जाता था। मेंबर्स कैन मूव रेजोल्यूशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। डिस्कशन ऑन अ रेजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रेलिवेंट विद इन द स्कोप। अ मेंबर हु हैज मूव्ड अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। इस बात को, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसको तो किसी भी प्रकार से हटा सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन अगर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसको विदाउट द लीव ऑफ द हाउस, लीव ऑफ द हाउस इज जस्ट अ टेक्निकल वर्ड फॉर द परमिशन ऑफ द हाउस, विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस। जैसे आप क्लास में होते हैं, मे आई लीव मैम, राइट, मे आई लीव, तो आपको क्लास की लीव लेनी पड़ती है, यानी कि जाने के लिए, बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। द सेम थिंग इज दैट कि लीव ऑफ द हाउस, अगर किसी मेंबर ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में और वो सपोज कीजिए राज्यसभा में फंस गया, तो मेंबर सोचता है कि भाई अब मैं इसको हटा लेता हूँ चुपचाप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और खेल कहते। तो अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं रेजोल्यूशन तो बिना हाउस की परमिशन के उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तीन प्रकार के हैं, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। काम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए, प्राइवेट मेंबर का मतलब जो कि प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी मंत्री से अलग। 60 मंत्री है ना, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इस समय ये चेंज होते रहते हैं, मैक्सिमम 81 हो सकते हैं हमारे देश के अंदर मंत्री, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। अभी इस समय 60 हैं, राइट। तो इन 60 के अलावा कोई भी अगर कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है उसको प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन कहेंगे। इन 60 में ये 60 कोई करेंगे उसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहेंगे। सबकी अलग अलग डेट है, तो मंडे से थर्सडे तक गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे मंत्री हैं वो कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो प्राइवेट रेजोल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट फ्राइडे एंड इन द आफ्टरनून सिटिंग होता है। एंड देन द स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ईदर बाय प्राइवेट और मिनिस्टर, इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज ऑलवेज टेबल्ड इन परसुएंस ऑफ अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी दोनों कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। फर्क समझिए, रेजोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम मोशंस। क्यों? ऑल रेजोल्यूशंस कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंटिव मोशन। ठीक है, तो रेजोल्यूशन इज इक्वल टू सब्सटेंटिव मोशन, ये पहले वाली बात समझ रखी। डन हो गया। हमने मोशन पढ़ते हुए सबसे पहला जो मोशन पढ़ा था वो सब्सटेंटिव मोशन पढ़ा था। दूसरा, एवरी रेजोल्यूशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन, सो ऑल रेजोल्यूशंस आर मोशंस, ऑल मोशंस आर नॉट रेजोल्यूशंस, All motions need not necessarily be substantive. ठीक है, तो जो बाकी जो भी substantive के अलावा जो भी motion होता है वो basically not a resolution है। कहने का मतलब है substantive motion का एक दूसरा word है resolution, that is it। दूसरा, all motions are not necessarily put to vote of the house, whereas all resolution are required to be voted upon। मोशन अगर है तो जरूरी नहीं है कि हाउस उसके ऊपर वोट करेगा, लेकिन रेजोल्यूशन है तो यस या नो की वोटिंग जरूरी होगी, दैट इज इट। इसके अलावा इसमें ज्यादा समझने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी आपके पास इसमें नहीं आने की संभावना है। जस्ट रीड इट, बट रिमेंबर जिस तरीके से मैंने बताया था कि इनको थोड़ा सा हर एक शब्द को एंगेज होने के लिए सर्च ऑन यूट्यूब एंड सर्च ऑन गूगल, इनसे रिलेटेड न्यूज क्लिपिंग, जस्ट रीड दैट न्यूज क्लिपिंग कि आज राहुल गांधी ने एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया रिलेटेड टू दिस इशू, एंड देन रीड कि आज पार्लियामेंट ने मोशन ऑफ थैंक्स पास किया रिलेटेड टू द प्रेजिडेंट एड्रेस, एंड देन इसको अगर स्पेसिफिकली हो सके तो यूट्यूब पे एक इसकी क्लिप देखो,
एडजर्नमेंट मोशन की, थैंक्स मोशन की किस प्रकार से हो रहा है। ये जो लेक्चर नंबर 28 और 29 है ये बेसिकली सिर्फ इसी प्रकार से याद होने की सबसे ज्यादा संभावना है, वरना ड्यू टू द डेंस नेचर ऑफ देयर डिक्शनरी नेचर ऑफ दीज टॉपिक्स ये दिमाग से बहुत जल्दी से ऊपर गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू स्टडी, कल के बाद जब हम लेक्चर नंबर 30 में पढ़ेंगे जहां पे हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पढ़ेंगे, फ्रॉम देयर ऑन स्लाइटली कॉन्सेप्ट्स अगेन बिगिन, दोबारा से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर फ्रॉम ईयर ऑन। आई विल सी इन द क्लास नंबर 30 जहां पे हम पार्लियामेंट का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 30 में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, जो ये कानून है कैसे बनाए जाते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।